हेलो एवरीवन, मैं हूँ नील कमल एंड स्वागत है मेरी रसोई में। जी फ्रेंड्स, ये है लजीज पानी, आ गया ना मुंह में पानी देखकर। तो फ्रेंड्स, इन्हें नॉर्मली कंडे में मीन्स उपले में बनाया जाता है, लेकिन आज हम पानी बनाएंगे शॉर्टकट तरीके से। मीन्स आज हम पानी बनाने वाले हैं अवन में। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, सो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिए। एंड फ्रेंड्स, इसमें इतने पानी में क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, कड़क क्यों होते हैं, मैं ये भी बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने लिया है 1 किलोग्राम के लगभग मकई का आटा। ये पीली मकई का आटा है, यह ग्रोसरी शॉप पर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने लिए हैं ये अकाओ के पत्ते, मीन्स आंकड़े के पत्ते। आप चाहें तो पलाश के पत्ते भी ले सकते हैं। इनको मैंने धोकर पोंछ कर रख लिया है। तो अब हम इस आटे में डालेंगे सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हम डालने वाले हैं लिटिल बिट ऑफ शक्कर, थोड़ी सी शक्कर जो हमारे पानी में एक मिठास लेकर आएगी। अब मैंने लिया है यहाँ थोड़ा सा अजवाइन, इसे हम हाथ से ही क्रश करके डालेंगे ताकि हमारे पानी में बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ जाए। अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कटा हुआ हरा धनिया, जो कि हमारे पानियों के टेक्सचर को एनहांस करेगा। नेक्स्ट वन चिली फ्लेक्स, इट्स टोटली ऑप्शनल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मावा, यह मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग लिया है। इससे ही हमारे जो पानी है वो सॉफ्ट एंड क्रंची करारे बनने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच के लगभग मलाई डाल सकते हैं। और अब मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग दही। इससे एक हल्का सा खटास आएगा हमारे पानी में, बहुत ही शानदार फ्लेवर आने वाला है। तो बस हम 3 चम्मच के लगभग दही डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपकी सफ़ेद मकई है तो आप इसमें हल्दी डालना न भूलें, क्योंकि मेरी पीली मकई है तो मैंने इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे हाथों की कसरत। इट मीन्स हमें दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मांडू की फेमस रेसिपी है, अगर आपने नहीं अभी तक ट्राई किया तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको बहुत टेस्टी रेसिपी लगेगी। तो देखिए, दोनों हाथों से इस तरह से अच्छे से आटे को मिला लेना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाए। तो बस अब मैंने लिया है प्लेन वाटर और उसे धीरे धीरे गूंदना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मावा और दही डाला है तो मैं इसे पानी से ही गूंद रही हूँ। बस फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे गूंदते जाएं, क्योंकि मकई पानी ज़्यादा सोख करती है तो इसे आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा। तो आप एक डो तैयार कर लें। तो देखिए, हमारा पानी का सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट पर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दाल की तरफ। तो मैंने कुकर रख दिया है एंड मैंने 1 कटोरी के लगभग छिलके वाली उड़द की दाल एंड उसमें 1 मुट्ठी चने की दाल डाला है एंड इसे सोक करके रख दिया था 3 घंटे। आप चाहे तो यहाँ तुअर की दाल भी बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, मैं यहाँ कच्चे मसालों से दाल बनाने वाली हूँ, तो आप रेसिपी एंड तक देखिएगा, दाल बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अंदाज से 2.5 कटोरी के लगभग पानी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तेज पत्ता, क्योंकि फ्रेंड हम इसे कच्चे मसालों से बनाएंगे। अब हम डाल रहे हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, कटा हुआ प्याज एंड नेक्स्ट बारीक कटे हुए टमाटर, जो हमारी दाल को बहुत ही टेस्टी बनाने वाले हैं। तो अब हम डालेंगे नमक ताकि हमारी दाल जल्दी पक जाए एंड उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो बस अब हम इस हमारी दाल को अच्छे से हिला लेंगे एंड कुकर को बंद कर देंगे। तो चलिए, हमारी दाल हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं हमारे पानी के डो को। हमने जो पानी का आटा लगाया था
वो एकदम सॉफ्ट हो गया है, देखिए। तो बस अब हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, बस हाथ से हम इसे अच्छे से। इसी से ही हमारे पानी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। जितना ज़्यादा मैश करेंगे, जितना अच्छा इसको ऐसे हाथ से, हाथ पाम की सहायता से ऐसे मैश करेंगे, उतना ही हमारे जो पानी है वो सॉफ्ट बनने वाले हैं, देखिए। तो बस दिस इज़ द ट्रिक कि जितना देखो, देखिए इसका जो आटा है मैं आपको बता रही हूँ इतना गीला होना चाहिए। ये देखिए ऐसे पाम की सहायता से आपको ताकत लगाकर थोड़ा सा अच्छे से मैश करना है, तो हमारे पानी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं आंकड़े के पत्ते, आप चाहे तो पलाश के पत्ते भी ले सकते हैं। इनमें मैंने तेल लगा लिया है दोनों तरफ। गेहूं का आटे के लोए बनाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा लोया लिया है मैंने, उसको मैं थोड़ा सा लंबा प्रेस कर लूंगी। ये लंबा बना लिया है मैंने। उसके बाद हम इसे रखने वाले हैं इन पत्तों पर। तो मैंने इसे रखा है उल्टी साइड, ताकि जो इसके डिजाइन है ये बहुत ही खूबसूरत बने इस पर। यस, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखिए इसके डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ। यस, दिस इज द पानिया। कितना ब्यूटीफुल वाला पानिया लग रहा है। तो बस ऐसे ही हमको सारे पानियों को रेडी कर लेना है। हमने लिया है एक बड़ा लोया, उसे लंबा प्रेस किया, उसके बाद स्लाइटली इसे प्रेस किया। यस, एंड हम उस पर दूसरा पत्ता भी उल्टी साइड से ही प्रेस करेंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से डिज़ाइन प्रेस हो जाए। तो बस ये हमारे पानी है, इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मांडू की फेमस रेसिपी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हमारे सारे पानी मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इसे बेकिंग की प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने अवन को 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था। तो इस पर मैंने देखिए ये आपको सारे पानी एक के बाद एक रखते जाऊंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड, हमें स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर ओवन में पकाना है, क्योंकि पत्ते हैं इसलिए। तो बस अब मैं 5 मिनट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पानियों को मैं पलट कर दिखाती हूँ। ये थोड़े से पत्ते इसमें जलने लगे हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ी इसकी आंच कम कर दें। देखिए बस ये हमारे पानी सिकना स्टार्ट हो गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपके हाथ जल रहे तो आप चिमटे का यूज जरूर करें। तो देखिए हमारे पानी, अब इनको मैं दोबारा से ढक देती हूँ। फ्रेंड्स इसको बनने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप थोड़ा लो फ्लेम रख दें। देखिए हमारे पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं पानी से। इट मीन्स हमारे पानी ऑलमोस्ट डन है। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, ये देखिए पत्ते अपने आप निकल रहे हैं। इट मीन्स हमारे जो पानी बहुत अच्छे से हो गए हैं। उसके बाद भी आप इसे थोड़ा सा कम आंच पर, लो फ्लेम पर भाप में के लिए रख दें। देखिए आप इस तरह से स्पेचुला का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको गर्म लग रहा है तो। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, मेरा बीच वाला जो पानी है वो क्रैक हो गया, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर लिया था पत्ते पर। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा ज़ोर से प्रेस ना करें। तो देखिए हमारे टेस्टी वाले पानी ऑलमोस्ट डन है। तो इसे मैं ढक देती हूँ और चलते हैं हम अपनी दाल की तरफ। तो देखिए हमारी दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैंने इसमें 3-4 सीटी ले लिया था। अब मैं इसे कलछी की सहायता से अच्छे से घुमा लूँगी। देखिए ऐसे घुमा लेना है, ताकि आपकी दाल थोड़ी मैशी हो जाए। मैशी दाल ही इसमें टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, हम दाल में कच्चे मसाले ही डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला है पानी, उसके बाद मैं डालने वाली हूँ अदरक लहसुन का मसाला, नेक्स्ट वन हरी मिर्च का पेस्ट, उसे हम अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें नमक। ये फ्रेंड्स नमक हमने पहले भी डाला था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डालें आप। गरम मसाला। अब हम अपनी दाल को अच्छे से हिला लेंगे। देखिए हमारी दाल कैसी टेस्टी दिख रही है। अब मैं डालने वाली हूँ हाथ से मसल कर जीरा, जो हमारी दाल के टेस्ट को बहुत ही एनहांस करेगा। तो देखिए हमारी दाल उबलनी स्टार्ट हो गई है। बस अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें
दो चम्मच के लगभग देसी घी। यस, इससे तो हमारी दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। बस फ्रेंड्स, एक बार आप ये दाल ज़रूर ट्राई करें। एंड मैंने डाला है लास्ट में हरा धनिया। बस हमारी दाल बिल्कुल डन हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पानी की तरफ। पानी भी हमारे डन है, घी भी तैयार है। तो बस अब हम इन पानियों को घी में डाल देते हैं। जी फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से घी में डालना है और 2 से 3 मिनट हमारे पानियों को घी में ही रहने दीजिए। इन्हें घी से नहला देते हैं। तो बस देखिए हमारे पानी कितने टेस्टी दिख रहे हैं, देख करके ही, ऊपर से ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट वाले। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट आप घी में रखिए। देखिए ये वाले जो पानी थे कितने सूखे सूखे और क्रैक्स आए हैं, और ये हमारे जो पानी कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये आप देखिए। ओ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक पानिया तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रंची करा रहे हैं, अंदर से सुपर सॉफ्ट। तो बस ये हमारे पानी रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, इस बारिश आप दाल पानिया ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय।